Students, as you all know that we were discussing about history, and in history we were discussing about the arrival of the Britishers or the East India Company in India, how they have came in India and slowly and steadily they have conquered our country. So proceeding towards the same series, we have discussed about different battles which were being fought by the Indian rulers and among the Britishers. Now we will be studying what were the different strategies which were being used or which were being implemented by the Britishers, which made them very easy to conquer our country. वो कौन सी उनकी रणनीतियाँ थी, उनकी strategies थी जिसके थ्रू वो हमारी कंट्री पे इतने सालों तक रूल कर पाए. So one by one we will be studying about all those kind of strategies. So first one is subsidiary alliance. It is a kind of alliance in which what happens, this alliance at that very time Lord Wellesley was the Governor General of India, and he has implemented his subsidiary alliance in 1798 to 1805. What happens in this, the Indians were not allowed to have their armed force. उन्होंने कहा आप अपनी सेना मत रखिए, सेना मत रखिए, वो ऊपर बढ़ावा दीजिए, हम आप लोगों को प्रोटेक्शन दें. ठीक है, आप लोग जानते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि आप लोग तो जानते हैं कि हम लोगों के पास बहुत ही अच्छी युद्ध तकनीक है, हम लोग युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण है आप लोगों के कंपैरिजन में, कि आप लोग इतने सारे महारथी, इतने सारे योद्धा आते हैं युद्ध करने के लिए, और हम लोग बस 30-50-100 लोग होते हैं फिर भी उनको परास्त कर देते हैं. तो हम लोगों की जो युद्ध नीति है, टेक्निक है, वो बहुत ही अच्छी है, हम काफी सक्षम है इस युद्ध में, और हमारे पास बहुत ही अच्छे एडवांस तरह के अस्त्र शस्त्र वेपन्स वगैरह है. तो आप लोग जो है, मतलब वो इंडियन रूलर से कहते हैं कि आप लोग कोई अपना आर्मी का सिस्टम मत देखिए, हम आप लोगों को इन रिटर्न में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आपको हम कुछ चार्ज करने करेंगे, और आप लोगों को कोई भी इस मतलब आर्मी रखने का, सैनिक रखने का, ये सब करने के लिए आपको सहमत नहीं दिखानी पड़ेगी. ठीक है, तो ये उनका एक ऑफर था सब्सिडरी अलायंस में. लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें क्या, दे हैव नॉट हैव इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, कि इंडिया के पास आर्म फोर्स की नहीं बचती, लेकिन आपको रखने की जरूरत नहीं, हम आपको खुद जो है प्रोटेक्शन देंगे अपने ट्रूप्स के द्वारा. ठीक है, कंपनी सप्लाई ट्रूप्स एंड प्रोडक्शन. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने सैनिक मत रखिए, हम आपको अपने सैनिक देंगे, रखिए आप ब्रिटिशर्स को अपॉइंट करिए, और इन रिटर्न जब हम आपको प्रोडक्शन दे रहे हैं, इन रिटर्न आपको हमें कुछ पैसे जो है वो देने पड़ेंगे, और सब्सिडरी के रूप में. ठीक है, जैसे कि जो गैस सिलेंडर है वो हम लोगों को जितने कॉस्ट में मिलते हैं वो कम होती है, और उसमें गवर्नमेंट को जो है सब्सिडरी देती है. ठीक है, तो उसी तरह से उन्होंने ये कहा कि हम आपको जो है सब्सिडरी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी आर्मी वगैरह मत रखिए, लेकिन जब आपको हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं अपनी आर्मी के थ्रू, तब आपको हमें कुछ पैसे टैक्सेस के रूप में हमें देने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये उनकी रणनीति थी करने, और उनका ये था कि जो भी राजा या रूलर जब सब्सिडरी नहीं दे पाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो चार्ज करते थे, और जब कोई सब्सिडरी नहीं दे पाता था तो उनकी जो किंगडम को है वो ऑक्यूपाई कर लेते थे, वो उसको हत्या लेते थे. ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने छोटी छोटी कई किंगडम्स थी जिन्होंने, जिनको वो अपने अंदर अपने कब्जे में ले लेते थे. ठीक है, तो उनमें ये था कि उनके पास जो ब्रिटिशर्स की थी बहुत ज्यादा लार्ज आर्मी होगी. अब देखिए, उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो आर्मी है आप रखिए, उसमें कुछ हम अपने ब्रिटिशर्स को अपॉइंट कर देंगे. ठीक है, जो युद्ध कौशल, युद्ध टेक्निक में बहुत ही स्किल्ड होंगे, एडवांस होंगे, बहुत सारे वेपन्स से बेस होंगे, तो आप अपने आर्मी के साथ साथ हमारे जो आर्मी मैन है उनका आप इस्तेमाल करिए, उनको रखिए, तब इन रिटर्न में वो पैसे चार्ज करते, नहीं दे पाएंगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी, पेनाल्टी के रूप में हम आपकी किंगडम को ले लेंगे. ठीक है, तो ये उनका ये था.
बहुत ज्यादा लार्ज आर्मी हो जाती है, उनके पास आर्मी जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और इंडिपेंडेंसी खो देते हैं हमारे इंडियन रूलर्स। क्यों? क्योंकि भाई मेन मान लीजिए 10 सैनिक है, ठीक है, तो जो बिल्कुल पैरल चलने वाले हैं वो तो हमारे इंडियन लोग हैं, ठीक, जो उससे एडवांस होते हैं वो जो मेन जो हाई लेवल पे है वो हो गए ब्रिटिशर्स के। तो जो इंडियन जो वेपन्स कैरी कर रहे हैं, जो पैरल चल रहे हैं, जो घोड़े पे सवार हैं, उनको तो वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है जो उनको कैप्टन ने कहा है, जो वहाँ पे उनके सेना नायक ने कहा है वो उनको फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारा इंटरनल जो आर्मी का जो सिस्टम रहता है वो जो है काफी इफेक्ट हो जाता है। अब जो टॉप लोग पे ही अथॉरिटी पे जब कोई दूसरी कंट्री के लोग बैठे हैं तो जो मिडिल मैन है या फिर जो दूसरे सैनिक है जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो अपने मन से तो कोई भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको तो वही करना है जो उनको कहा जा रहा है, भाई आप ऐसे करिए या वैसे करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी इफेक्ट कर गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे जो छोटे छोटे जो राज्य थे उनको जो है उसका पूरा पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया, ठीक है। तो ये था सब्सिडरी के नाम पर उनका पूरे किंगडम को हत्या लेने की उनकी पहली रणनीति या फिर स्ट्रेटजी, ठीक है। दूसरी था डायरेक्ट एलिवेशन। अब ये भी कुछ सब्सिडरी अलायंस जैसे ही था, जैसे सब्सिडरी में पहले क्या था कि आप अपना किंगडम रखिए, अपनी आर्मी रखिए, उसमें कुछ हमारे सैनिक होंगे, उन रिटर्न हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो कुछ चार्ज करेंगे। डायरेक्ट एलिवेशन में तो ये क्या था कि वही काम वो डायरेक्टली कर लेते थे, ठीक है, उनके लिए फुल कंट्रोल ओवर स्टेट, जो स्टेट के ऊपर उनका पूरा फुल कंट्रोल और सुपरविजन जो है आप वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया और इंडियंस के हाथों में आर्मी का सिस्टम बिल्कुल रहा नहीं। तो इंडियंस के पास आर्मी फोर्सेस के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि उनके सैनिक आर्मी जो है वो उनकी कुछ रही ही नहीं। अब सोचिए कोई दूसरे पर्सन पे अगर हमें आक्रमण करना है तो हम कैसे करेंगे, अकेला राजा तो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जब उनके पास जो उनका सैनिक रहता है, सैनिक बल ही जो उनका सब कुछ होता है वही उनके पास नहीं बचा तो वो किस तरह से चीजों को देख सकते हैं। तो ये चीज है कि उनका पहले कहते हैं कि किसी के हाथ पैर तोड़ के उसको बैसाखिया दे देना है ना, तो बिल्कुल जब पहले आर्मी का सिस्टम ही नहीं चला कि भाई आपको इंडिपेंडेंस देंगे हम, ये देंगे वो देंगे, आपके हाथों में बैसाखिया पकड़ा दी और आप चलेंगे भी कैसे जब आपके हाथ नहीं है पैर नहीं है, तो बिल्कुल उसको इंडियन वो हैंडीकैप बना ली थी उनकी स्ट्रेटेजी थी प्रोटेक्शन के नाम पर या सब्सिडी के नाम पर। जब सब्सिडी हट गई तो डायरेक्ट एलिवेशन उन्होंने किंगडम्स पे कर दिया, तो इंडियंस ने अपनी आर्मी बनाने ही उनका आर्मी का सिस्टम खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ ऑर्डर गवर्निंग का जो सिस्टम था वही पूरा ध्वस्त हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर गुनाह किया है, गलत हुआ है, किसी के जस्टिस हुई तो किसके पास जाएगा, वो राजा के पास जाता है कि भाई हमारे साथ न्याय करिए हमको न्याय मिलेगा। लेकिन जब राजा के पास कोई अथॉरिटीज उनके हाथों में बची नहीं कि वो किस तरह से दूसरे पर्सन को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें थी जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की पूरी पूरी तरह से खत्म हो गई। ब्रिटिश कलेक्टेड टैक्सेस फॉर देयर ट्रूप्स, जो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे ब्रिटिशर्स या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, इन रिटर्न वो उसके लिए चार्जेस करते थे, टैक्सेस पे करा देते थे और जो ये टैक्सेस के नाम होता था उसके लिए भी पैसा देना होता था। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वर ऑल डिपेंडेंट दैट मोर एंड मोर मनी वॉज एक्सट्रैक्टेड, मोर एंड मोर मनी वॉज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन रूलर्स एंड दे वर जस्ट बीइंग एक्सप्लॉइटेड दैट एनीथिंग आर नाउ फाइंडिंग एबल इवन टू हैव देयर आर्मी सिस्टम इन देयर हैंड एंड व्हेन दे डोंट हैव द आर्मी सिस्टम हाउ दे कैन डिफेंड और प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड, राइट। सो उनकी जो किंगडम्स थे, उनके जो राज्यपाट थे, जो रूलर्स थे, वो भी धीरे धीरे जो है वो ब्रिटिशर्स के नाम पे जाते रह गए क्योंकि वो जितना काम करते नहीं थे उससे ज्यादा वो चार्जेस जो है वो लेते थे, ठीक है। तो दिस वॉज द मेन टू स्ट्रेटेजीज विच वर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू कॉन्कर इंडिया, सब्सिडरी अलायंस एंड द डायरेक्ट एलिवेशन। लेट्स सी व्हाट वर द मोर स्ट्रेटेजीज।
students, now we will study one of the most important techniques or the strategies which should be implemented by the Britishers, and that was stopping of blacks. And according to this, this strategy was being implemented by Lord Dalhousie, who was the Governor General of India from the year 1848 to 1856. So what happens according to this strategy? If in any kingdom the king expired without having his son, then his kingdom was totally come into the control of the Britishers. ठीक है? अगर कोई भी राज्य में किसी राजा की मृत्यु हो जाती है और वहां पर उस समय उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, ना हो जैसे कि उनका कोई भी सन ना हो, तो वो एडॉप्टेड सन को वो कंसिडर बिल्कुल नहीं करते थे। और ये होता था कि जब तक आपको खुद की संतान नहीं है, इनकी डेथ हो गई, उनकी जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी, उसको वो हथिया लेते थे। ठीक है, तो आप लोग ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां पढ़ी होंगी और उनकी कविताएं पढ़ी होंगी, तो उन्होंने बिल्कुल ब्रिटिशर्स को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया था, खूब स्ट्रगल किया था उन्होंने और अपने किंगडम को बचाने के लिए, ठीक है, झांसी को। लेकिन ऐसे कई किंगडम्स थी जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इलीगल तौर से अपने मनमाने तरीके से उसको हथियार लिया था, अपने सुपरविजन में ले लिया था, ये कहकर कि इस स्ट्रैटेजी की, क्योंकि आपके पास कोई खुद के संतान नहीं है, एडॉप्शन को हम नहीं कंसिडर करते हैं, तो आपके जो किंगडम है वो अब हमारे किंगडम होगी और आपके वहाँ के राजा नहीं होंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कई सारे इंडियन स्टेट्स को, टेरिटरीज को उन्होंने अपने अंडर कर लिया, जैसे कि सतारा को 1848 में, शामवालपुर को 1850 में, उदयपुर इन 1852, नागपुर इन 1853 एंड इन झांसी 1854। सो दिस बॉर्डर स्टेट विच वाज जनरली टेकन अवे बाय द ब्रिटिशर्स बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट? Then next strategy was the policy of paramount. This policy was being given by Lord Warren Hastings. He was also the Governor General of India from the year 1813 to year 1823. What happens in this strategy? ये कहा गया कि जो Britishers हैं वो सबसे top most हैं, वो supreme हैं, वो superior हैं, वो बिल्कुल top पर हैं, वो सर्वोच्च हैं। और उसके नीचे चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, किंग हो, कुछ भी हो, वो सब उनके अंडर आते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है, दे आर द सुप्रीम पावर, राइट? और इसके थ्रू ये कहा गया कि सारे सैनिक बल उनके होंगे, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सारा मतलब कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट, सारा कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। क्यों भाई, जब सुप्रीम कह रहे हैं भाई हम टॉप में हैं, राजा हमारे अंदर, किंगडम हमारे अंदर, तो जो है वो सब किसके हाथ में है? वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में है, और कोई भी राजा हुआ, कोई भी किंग हुआ, कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं जाकर कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि सबसे सुप्रीम पावर पर वो ब्रिटिशर्स जाकर बैठे हुए, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज से उन्होंने पंजाब से अफगानिस्तान के एरिया को जाकर कवर अप किया, वहां पे जाकर कॉल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी वाज प्रिटेंस ऑफ मसरूर। मसरूर का रूल होता है मसरूर है, ये रूल आया था डलहौसी के थ्रू, वो गवर्नर जनरल थे 1853 में उन्होंने किया। इसमें ये था, उनको ब्रिटिशर्स को बहुत ही खतरा सा महसूस होने लगा था रशिया के, उनको ये डर समा गया था कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, रशिया कहीं वहां से आक्रमण करके भारत में एंटर ना हो गए, और वहां से अगर वो एंटर हो गया तो वो अगर पूरा अगर इंडिया में घुस गया, वहां भी सुप्रीम पावर है, तो हमें उनको अपना ये मतलब डर समा गया कि हमारे अगेंस्ट भी कोई आकर जो है वो खड़ा हो सकता है। सो दे वर क्वाइट स्केयर्ड ऑफ इट। सो व्हाट दे हैव डन इन फ्रॉम द ईयर 1835 टू ईयर 1842, दे हैव
वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, राइट। तो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक वॉर छेड़ी। अब जानते हैं पहले हमारे इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे कि वो नॉर्थ वेस्ट से उधर ही आ सकते थे, तो वहाँ पे उन्होंने वॉर छेड़ दी ताकि वो उनका और 1843 तक उनके पास पूरा पूरा कंट्रोल आ गया सिंध का, ठीक है। तो उनको ये डर समा गया कि भाई मैंने इधर बंगाल बिहार उड़ीसा को कॉन्कर कर लिया नॉर्थ से, फिर हम साउथ की साइड गए तो उधर हमने माइसोर भी कलर कवर अप कर लिया, उधर के एरिया भी थे वो भी कर लिए, यहाँ पर आ गए तो इनको नॉर्थ वेस्ट से खतरा समा गया कि एक कोस्टल एरिया को हमने कवर अप कर लिया, बट वॉट अबाउट द नॉर्थ वेस्ट एरिया, फ्रॉम देयर द रशियन पीपल कैन कम एंड कॉन्कर इंडिया। So what they have done now, in order to protect themselves, they have started a war against Afghanistan. And when this war was there against Afghanistan, they have defeated it, and now they have started ruling in Afghanistan, Punjab, and Sindh area also. Right? So this was their strategy. So next was Anglo-Sindh War. This has given a rise to an Anglo-Sindh War. Now it was Sikh War, sorry. Anglo-Sikh War was there. By the time the king was there of Raja Ranjit Singh, Maharaja Ranjit Singh was there, the Britishers were not able to come and conquer Punjab. Unki paas himmat nahi thi ki wo Maharaja Ranjit Singh ko jaakar fight de sake aur unko hara sake. लेकिन उनके डेथ के बाद इन द ईयर 1839 उन्होंने दो वॉर लड़ी एंग्लो सिख वॉर में, और 1849 में पंजाब वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जब तक उनकी मृत्यु का इंतजार किया, या कुछ भी कह सकते हैं कि जब तक वो वहां पर थे पंजाब को कुछ भी हानि नहीं पहुंचे थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, लेकिन उसके बाद जब ये पार्टीशन हुआ तब काफी चीजें बदली, और जब ये राजा रंजीत सिंह के गुजरने के बाद उन्होंने पंजाब में भी कॉन्कर कर लिया, ठीक है। तो वी हैव सीन दैट हाउ ब्रिटिशर्स केम ट्रेड के पर्पस से आए, फिर उन्होंने बंगाल से ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर वो बक्सर का युद्ध, झांसी का युद्ध, मैसूर का युद्ध, मराठा के साथ युद्ध, सिख के साथ युद्ध, और सारे वॉर्स लड़ते 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 पूरा इंडिया उन्होंने कब्जे में लिया, ठीक है। तो ये थे जिसके थ्रू वो आए और यहाँ पर आगे बस गए, राइट। नाउ लेट्स स्टडी कि अगर वो यहाँ पर आए, इतने साल उन्होंने यहाँ पर राज किया, शासन किया, तो हमारी भी तो कुछ कमियाँ नहीं होंगी कि कोई एक्सटर्नल पर्सन आए हम पर आके आक्रमण करे, हमको पहला फुसला कर, या फिर कुछ रणनीतियाँ अपना कर हम पे इतने वर्षों तक जो है वो शासन करे, और उसके बाद उनकी हमारे अंदर क्या खामियां थी कि हमने हमारा आर्मी सिस्टम भी खत्म हो गया है ना, डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त हो गया, न्याय की तो कोई बात ही नहीं रही है ना, लॉ एंड सिस्टम भी बहुत डिस्ट्रॉयड हो गया, तो हमारे अंदर क्या खामियां थी या फिर ब्रिटिशर्स के अंदर क्या खूबियां थी जिसके कारण वो सक्सेसफुल इतने सालों तक रह पाए, चलिए उन कारणों को भी जान लेते हैं। Weaknesses of the Indian rulers. If you talk about the weak, there was a great weakness among the Indian rulers. They were not strong enough to defend their motherland. Right? If someone is coming and giving them some kind of suit offer to them, they are ready. Right? There should be thinking if something bad is going against in Bengal, then a lesson should be taken from other parts of the country. उनकी ये स्ट्रैटेजी बंगाल में थी, तो हमें वो उन लोगों को अपने यहाँ पे पैर फैलाने नहीं देना, उनकी पहला उनके हमें बहकावे में नहीं आना है, वी डोंट हैव टू लिसन टू देम, दिस काइंड ऑफ थिंग वाज नॉट देयर, व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन द थिंग्स वर जस्ट गोइंग ऑन एंड सो देयर वाज अ वीकनेस अमंग द इंडियन रूलर्स, वो नॉट एबल टू डिफेंड देयर मदरलैंड इन अ प्रॉपर वे, इन अ वेरी डिफेंसिव वे, of strong control and leadership. One great leader was needed. Suppose a king is arriving or somebody is there who want to defend it, who want to protect it from one part of the country, the other leader should
हम खड़े हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं हमारा सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जब टीपू सुल्तान खड़े हुए मराठास के अगेंस्ट मैसूर वॉर के लिए, तो एक बार उन्होंने ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट काम किया, एक बार मराठास के अगेंस्ट काम किया। ये स्ट्रैटेजीज थी उनकी, आपस में ही लड़ते भिड़ते रह गए सब। अगर सब खूब मिलकर एकजुट होकर लड़े होते, यूनिटी नहीं, देखिए लैक ऑफ यूनिटी थी ना हमारा ड्रॉबैक। अगर सब एकजुट होकर लड़े होते तो इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं अराइज होती। वो कितने लोग आए, इतने ज़्यादा लोग तो आ नहीं जाएंगे कभी। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन देखें तो हम लोग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थे, सोल्जर्स हमारे बहुत ज़्यादा थे। जब इन्होंने लिखा कि सोल्जर्स इतने ज़्यादा है तो पहले उन्हीं पर कब्जा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने, कह के उनके नाम पे कि भाई आपका आर्मी सिस्टम बहुत वीक है, हम 10 लोग आके आपके आर्मी को हरा के चले जाते हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे वर बीइंग इंप्लीमेंटेड, बट द थिंग वाज दैट इफ द इंडियन रूलर्स वर यूनाइटेड इनफ, दे वर हैविंग ग्रेट एंथुसियाज्म टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन अ ग्रुप इन अ कम्युनिटी, दे वुड हैव बीन एबल टू रूल अस फॉर सो मेनी इयर्स। अपॉन दैट there was a lack of leadership quality, there was not a single person who can take a stand, yes I want to do this thing, aur usko koi follow up karne wala nahi tha ki kabhi ek raja ne vidroh kiya wo parast ho gaye, dusre raja ne apne side se vidroh kiya wo parast ho gaye। agar sab log mil jul kar ikatthe hokar koi ek ranneeti banaye hote ki ha bhai hame ikatthe milke aakraman karna hai, एक लीडर होना चाहिए था, तो वो इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो नहीं अराइज होती। ये हम लोगों की वीकनेस। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका आर्मी सिस्टम और नेवी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू वी इंडियंस। हम लोग क्या थे, उनकी बातों में आ गए या फिर उनके बहकावे में आ गए, उनके ऑफर्स में चले गए। और इंडियंस के लोग जो इंडियन किंग्स थे वो लोग अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे। कई ऐसे आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी कि बिल्कुल बिल्कुल आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेस हैं अपने उसमें कि आप किसी पे युद्ध हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, तभी भी वो लोग अपने शान शौकत से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वहाँ पे भी अपनी शान शौकत के साथ जिंदगी जी रहे हैं। तो जब ये आप वो अटैक करना है किसी के ऊपर, आक्रमण करना है, तो एट दैट वेरी टाइम एट पर्सन हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट्स विल पावर एंड very strong commitment is there. So these were the, some of the drawbacks amongst the Indian rulers which were being, which the advantage have been taken by the Britishers. We will be studying more further to know about how this Britishers have been and exploited us and ruled us for so many years. But yet only this much is there in your chapter to study about in this part, that how they have came in India, how they have used our Indians in fighting among themselves only. एक लड़ा, एक राजा को दूसरे राजा के अगेंस्ट ही बना दिया, अपनी आर्मी हमारे इंडियन सोल्जर्स उनके कहने पर दूसरे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ही आक्रमण कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी लड़ाई, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें थी वो बन गई और जिसके कारण हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि किस तरह से कोई व्यक्ति सिर्फ ग्रेट करने के लिए आया और इतने साल की शासन कार्य जो है वो हम पर करके चले गए। तो चलिए, दिस हियर वी कम्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड इट। इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो दैट एट लीस्ट 5 पार्ट्स आर बीइंग मेड ऑफ दिस चैप्टर। सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली एंड थॉरली, please watch all the videos in a proper sequence so that you can understand each and everything. जैसे कि जब हमने स्टार्ट किया था पार्ट वन में किस तरह से पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। फिर सेकेंड पार्ट पे हमने कुछ डिस्कस किया। थर्ड पार्ट में किस तरह से वॉर्स हुई उनका एक सीरीज है, सीक्वेंस है कि कब कौन सी वॉर हुई, कहाँ पे, कहाँ पे हुई। फिर चौथे पार्ट में भी हमने कुछ वॉर्स और किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोगों ने उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया, अपनी वीकनेसेस के बारे में डिस्कस किया, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के 5 पार्ट्स बन चुके हैं, तो आप पूरी चैप्टर को एक सीक्वेंस में देखेंगे, सीरीज में देखेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड
as well. So this is all for today. See you all very soon in your upcoming videos. By the time, keep learning and keep going. Thanks for watching.